मेरे अनुपमा के दोस्त का इस घर में, इस गली में सम्मान से स्वागत है। आप मेरे पेरेंट्स के फंक्शन में आए, मुझे अच्छा लगा। पता है मुझे मेरा परिवार जितना प्यारा है ना, उतना ही मेरे दोस्त भी प्यारे हैं। पर आज तक मेरे परिवार में कभी भी मेरे दोस्तों का खुले दिल से स्वागत नहीं हुआ। आपका क्या, देवी का कभी नहीं। पर आज हमारी दोस्ती को बा का आशीर्वाद मिल गया तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। दोस्त के बिना तो परिवार की खुशी भी एकदम अधूरी लग रही थी, पर बा ने आपको और काका को बुला के बहुत 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 अच्छा किया। पता है अनुपमा, तुम्हें इतने दिन बाद इतना खुश देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। वेरी हैप्पी, ऑल थैंक्स टू बा। हाँ, बात जिस जनरेशन की हैं उन्हें एक लड़का एक लड़की की दोस्ती समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एटलीस्ट शी इज ट्राइंग एंड दैट्स कमेंडेबल, राइट? हाँ, इसलिए तो वो बा है। वैसे बा है बहुत तीखे स्वभाव की, जिद्दी है, गुस्सा करती है, गलतियां भी करती है, बहुत ज्यादा गलतियां करती है, पर उनके लिए हमेशा बच्चों की खुशी उनकी जिद से ज्यादा होती है। देर से ही सही, लेकिन वो मान जरूर जाती है, समझ जरूर जाती है। True that. बड़े एडजस्ट करना भी जानते हैं और एक्सेप्ट करना भी, बस उन्हें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है, फिर टाइम पे सब कुछ सही हो जाता है। काश 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 देविका को काम के लिए बाहर नहीं जाना होता, तो वो भी आज यहाँ होती, कितना मजा आता। पर हम दोनों है ना, काफी है। फिर चाहे कोई बात हो ना हो, बस दोस्त नेक हो काफी है। इस लंबी चौड़ी दुनिया में दोस्त एक हो काफी है। आई नो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आजकल धीरे धीरे समझ में आने लगी है। Really? हाँ तो Great. अनुज को तेरे जीवन में भेजना कान्हा जी के हाथ में था, उसे अपने मन में आने देना तेरे हाथ में है। चलिए अंदर चलते। हाँ चलो, लेट्स गो। आई कांट बिलीव यू मान, अनुपमा को तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। कहना जरूरी था। दैट्स ट्रू, पर तेरे जैसे बुड्ढे से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ए सफेद बाल वाले नाना जी, अरे मैं तेरे से ज्यादा यंग हूँ। ओके ओके, लेकिन तेरे मेरे कहने से चाहने से कुछ नहीं होगा। तब होगा जब ये दो उल्लू के पट्टे चाहेंगे। मेरा लड़का गधा है और तुम्हारी लड़की भोली है। न ये चढ़ेगा घोड़ी न वो बैठेगी डोली। अरे वाह रहमान, तुम तो शायर बन गया। शायरी की बात जाने दे, कुछ सोच। सोचना तो पड़ेगा ही, जब उन दोनों का घर बसाना है तो हमें कुछ करना तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? सोचता हूँ, सबसे पहले तो ये बूढ़े बुढ़िया की शादी निपटा लूँ, उसके बाद ये बच्चों के बारे में सोचूंगा। अरे हाँ, तेरी ये दूसरी शादी देख के मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ने को नहीं मिला और ये घोड़ी पे घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। अपने अपने किस्मत है। सही कहा, हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता रे। शादी का सुख तुम क्या जानो जीके बाबू।
अब मेरी बात मान और जल्दी जल्दी शादी कर ले। अरे कब तक यूं सिंगम लन के घूमेगा? तू कहे तो शादी की साइड पर प्रोफाइल बना दूं? ना, शादी वाली साइड पे नहीं, डेट वाली साइड पे मान। जीजा जी कब से बैठे हैं, बोर हो रहा हूँ मैं, वो कवाली कब शुरू होगी? अरे मामा बड़ी, आज कवाली नहीं, आज मेहंदी है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। इसकी सुई कवाली पे क्यों अटकी? इसको कवाली का शौक है क्या? अच्छा समझ गया। समर जरा मेरे साथ आ तो। अरे क्या, अरे क्या, क्या जा रहे हो?